करनाल पुलिस के हाथ सोमवार को बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने कई फर्जी फाइनेंसरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई 5 बलैरो पिकअप व वारदात में प्रयोग 2 गाड़ी भी बरामद की है। फर्जी फाइनेंसर लोगों की गाड़ियां बीच रास्ते में गाड़ी रोककर कहते थे, आपकी गाड़ी की किश्तें बकाया है, पहले बैंक की किश्त भरो फिर यार्ड से गाड़ी ले जाना। इसके बाद वे गाड़ी लेकर फरार हो जाते थे। इस संबंध में जानकारी देते हुए उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय करनाल वीरेंद्र सिंह ने बताया कि काफी दिनों से वाहन लूटिया का यह गिरोह सक्रिय था, जिसने करनाल व कुरुक्षेत्र में वाहन लूट की कई वारदातों को अंजाम दिया था। उन्होंने कहा कि आरोपी रूपचंद और संदीप ने करीब 1 वर्ष तक टाटा फाइनेंस में काम किया था, जो करीब 6 माह पहले उन्हें इस कंपनी से निकाल दिया गया था, जिसके बाद दोनों आरोपियों ने अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ मिलकर अपना गैंग बना लिया व उन्हें पता था कि फाइनेंसर किस तरीके से फाइनेंस की गाड़ी को अपने कब्जे में लेता है और इस जानकारी का फायदा उठाकर वे फर्जी फाइनेंसर बनकर किसी गाड़ी को बीच रास्ते में रोककर ड्राइवर को बोलते थे कि यह गाड़ी फाइनेंस पर ली गई है और इसकी कई किश्तें बकाया है, इसलिए बैंक में जाकर पहले इसकी बकाया किश्तें भरो और यार्ड में आकर बैंक की रसीद दिखाकर अपनी गाड़ी ले जाना। यह कहकर आरोपी गाड़ी लेकर वहां से फरार हो जाते थे। वीरेंद्र सिंह ने बताया कि इसमें से आरोपी सोनू के खिलाफ जिला कैथल में हत्या के प्रयास का एक मामला दर्ज है, जिसमें फिलहाल यह जमानत पर बाहर आया हुआ था। पुलिस टीम ने सभी आरोपियों को माननीय अदालत के सामने पेश कर पुलिस रिमांड हासिल किया है। इन वारदातों में आरोपी के साथ उनके 2 अन्य साथी भी शामिल थे, जो अभी फरार चल रहे हैं, जिनके भी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। देखिए एक रिपोर्ट। पकड़ा है जो फाइनेंसर बन के गाड़ियां लूटा करते थे, 6 गाड़ियां बरामद हुई हैं और 5 बंदे गिरफ्तार हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली क्या है कि हमारे पास ये सूचना आ रही थी कि इस तरह जो हमारी गाड़ियां होती हैं बोलेरो पिकअप, उनको इस तरीके से लूट लूटा जा रहा है। कुछ व्यक्ति आते हैं जो अपने आप को फाइनेंस कंपनी का आदमी बताते हैं और लूटने वाले कहते हैं कि जी आप ये गाड़ी आपने किस्तें पूरी नहीं भरी हैं, आप यार्ड से उठा लीजिए, और फिर गाड़ी लेके गायब हो जाती है उसकी। तो हमारे पास इंसिडेंट की सूचना आ रही थी, उसकी तुरंत FIR रजिस्टर की गई थी और SP साहब के दिशा निर्देशों अनुसार CIA जो हमारे CIA का इंचार्ज है इंस्पेक्टर दीपेंद्र जी, उनके नेतृत्व में टीम गठित की गई और टीम ने इनके नेतृत्व में काम करते हुए 13 तारीख को जो पूरा गिरोह था उसको पकड़ लिया। तो सर किस तरह से लूट अंजाम देते थे? दूसरी गाड़ी बेसिकली जो हमारे पास अभी आप जो मुलजिम हैं उनको आपसे मिलवाएंगे। ये 5 मुलजिम थे हमारे, तो इनमें से जो 2 मुलजिम थे संदीप और रूपचंद, ये टाटा फाइनेंस में 1 साल से काम कर रहे थे, तो इनको पूरा सिस्टम पता लग गया था कि फाइनेंसिंग का सिस्टम चलता कैसे है। सर कितने लोग पकड़े गए? अभी तक 5 व्यक्ति गिरफ्तार। तो क्या कार्रवाई की गई सर आगे? अभी सबको गिरफ्तार किया जा चुका है, वो अभी वो रिमांड में चल रहे हैं। तो इन्होंने टोटल 6 वारदातें अभी तक कबूली हैं, 4 हमारे जिला करनाल के अंदर और 2 हमारे साथ लगते जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के कुरुक्षेत्र उसके लाडवा इलाके की 2 कंपनी। गिरोह में और भी लोग हैं शामिल? जी वो अभी डिटेल में नहीं बता। जो गाड़ियां सर बरामद हुई हैं, जो गाड़ियां लूटते थे, क्या उनकी वाकई कोई किस्त पेंडेंसी में होती थी या वैसे लूट लेते थे? अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो सारा कुछ चेक करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 गाड़ियां हम बरामद कर चुके हैं जी। तो अभी रिमांड भी इसीलिए लिया गया कि उन गाड़ियां क्योंकि मुलजिम ऐसे तो नहीं बताते, तो प्यार से तो हम उनसे जब और डिटेल में पूछताछ करेंगे, फाइनेंस वालों को बुलाएंगे, तो उससे हमें पता लगेगा कि वो कहां कहां गाड़ियां गई हैं। तो हो सकता है कि कुछ और भी गाड़ियां मिले और कुछ और भी इसमें शामिल हो। स्टूडेंट है वो डिटेल में अभी आपको नहीं बता पाऊंगा, वो भी हम सारा चेक करेंगे। तो लोगों से अपील करेंगे, इसमें कई बार होता है कि जैसे फर्जी फाइनेंसर बन के जाते हैं, गाड़ी अपनी दे देते हैं और उनके साथ चल लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे नहीं जाना चाहिए? नहीं बिल्कुल, हम इस मामले में लोगों से अपील करेंगे कि वो ऐसी अगर कोई भी घटना उनके साथ होते हैं तो इसकी तुरंत रिपोर्टिंग हमारे डिपार्टमेंट को करें और उसमें बिल्कुल हम। क्योंकि कई बार देखा जाता है फाइनेंस जो रिकवरी वाले होते हैं उन्होंने भी इस तरह के गुंडे रखे होते हैं रिकवरी करने के लिए, गाड़ियां खोज के ले जाते हैं अगर पैसे नहीं दिए जाते उनके। ऐसा नहीं, मैं हमारे पास कोई लिखित रिपोर्ट आती है तो हम तभी कार्रवाई कर पाते हैं, अब लोगों की परसेप्शन पे तो हम कार्रवाई नहीं कर सकते। क्या वो गुंडे ऑथराइज होते हैं या गलत होते हैं? ये सर जो वारदात करते हैं, अगर कोई शिकायत आती है तो उसकी वैलिडिटी भी चेक की जाएगी कि वो गुंडे अलाउड हैं या नहीं अलाउड हैं, जिनको आप गुंडे बोल रहे हैं या वो रिकवरी एजेंट है, तो वो क्योंकि मैं कानून की परिभाषा में ही चेक कर पाऊंगा जब कोई पार्टी लिखित शिकायत करे। सर ये रात को वारदात करते थे या दिन में ही खोज के जाते थे? दोनों टाइम वारदात। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।